PN9 न्यूज में हूं आपके साथ मेघा। वाराणसी ये वो सीट है, लोकसभा का वो क्षेत्र है जिस पर सबकी नजरें टिकी थी तब तक जब तक मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी वाड्रा का होने के चर्चे हो रहे थे। लेकिन इन सबके बीच में जब से कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को उम्मीदवार बनाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत एक तरफा बताई जा रही है। इन सबके बीच में वाराणसी का मिजाज क्या है, बता दें आपको, ये वाराणसी वही सीट है, बनारस वही सीट है जहां साल 2014 में भी नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे, जीत उनकी हुई और ये जीत भारी मतों से हुई। कई लोगों ने दावे किए, विपक्षी दलों ने, कि इस बार मोदी लहर फीकी है। लोगों ने ये कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत वाराणसी से होना इतना आसान नहीं है। इन सबके बीच में वाराणसी का मिजाज क्या है, ये बात तो आप सब जानते हैं। वाराणसी में मुस्लिम मतदाता भी हैं, यहाँ मुस्लिम संख्या भी है, मुस्लिम जनता भी है, और फिलहाल मुस्लिम जनता का मत नरेंद्र मोदी को लेकर क्या है, बता दें आपको। वाराणसी में मतदान सातवें चरण यानी 19 मई को होने हैं, 23 मई को चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो नरेंद्र मोदी का गुणगान गा रही हैं। वाराणसी की मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी की यकीनन ये बड़ी उपलब्धि है। साल 2014 के चुनाव पर अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम जनता का इतना ज्यादा सपोर्ट ना तो नरेंद्र मोदी को था ना भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जिस तरीके से ट्रिपल तलाक बिल को लेकर जितने कदम भाजपा सरकार ने उठाए, नरेंद्र मोदी ने उठाए, इन सब की बदौलत वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं का मिजाज बदला है, यहाँ विश्वास की नींव पक्की हो गई है। सवाल अक्सर पूछा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या रिश्ता है, और इन सब के बीच में वाराणसी के मुस्लिम महिलाओं ने आखिरकार बता दिया है कि इनका क्या रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास से। क्या कहती है वाराणसी की हवा, देखिए जरा। यूं तो वाराणसी की सुबह को काफी ज्यादा नामवर बताया जाता है, लेकिन जिस रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में शाम को रोड शो किया, यकीनन इस रोड शो को यादगार बना दिया। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र साल 2014 में रहा है और साल 2019 में यही दूसरी पारी खेलने मोदी के स्वागत में वाराणसी की धरती पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। ये रोड शो कितना ज्यादा यादगार और भयावह रहा ये बताने की जरूरत शायद ही पड़े। और इन सबके बीच में अब यहाँ हम आपसे बात करेंगे वाराणसी के मुस्लिमों पर, वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं पर। बता दें आपको, वाराणसी के मुस्लिमों को लेकर, वाराणसी के मुस्लिम महिलाओं को लेकर अक्सर यहाँ कई तरह की खबरें आती हैं, क्योंकि मुस्लिमों के साथ नरेंद्र मोदी के रिश्ते और मुस्लिमों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाव हमेशा सवालों के कटघरे में दिखाई पड़ते हैं। तो आज वाराणसी के मुस्लिमों पर, वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं पर हम आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे आपसे यहाँ वाराणसी के शिबला की छोटी सी सड़क से। गौर हो कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रोड शो कर रहे थे तो यहाँ सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा। मुस्लिम बहुल इलाका है ये, और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे थे तो लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। नारे लगाने वाले लोगों में मुस्लिम मौजूद थे, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूल इन्हीं मुस्लिमों पर फेंके, जिसके बाद नारे और भी ज्यादा जोर शोर से लगने लगे। ये बात तो कहीं ना कहीं तय थी कि वाराणसी के मुस्लिम भी साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देंगे, और फिलहाल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से आपको रूबरू करवाते हुए आपको बताएंगे मुस्लिम महिलाएं क्या कहती हैं। मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। तीन तलाक बिल को लेकर मोदी सरकार ने जो कुछ भी किया है उसके बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं का मत नरेंद्र मोदी के साथ है। इसी को लेकर बनारस की मुस्लिम महिलाएं कहती हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सांसद हैं और हम दोबारा उन्हें अपने सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मुस्लिम महिला रेशमा परवीन कहती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें सदियों से चली आ रही तलाक की दुश्वारियों भरी प्रथा से 5 सालों के अंदर मुक्ति दिलाई। कितनी मुस्लिम बहनें हैं जो इस 3 तलाक के दंश को आज भी झेल रही हैं, उससे उभर नहीं पाई हैं। हमें प्रधानमंत्री और हमारे लोकप्रिय सांसद नरेंद्र मोदी ने इस नरक से आजादी दिलवाई है। वहीं बनारस की एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला कहती है, मेरे पति ने मुझे फोन पर 3 तलाक कह दिया और उसके बाद मेरा तलाक मान लिया गया। 12 साल हो गए इस तलाक को, पर मेरे पति ने मुझसे पूछा नहीं, दूसरी शादी जरूर कर ली। प्रधानमंत्री जी ने हमारे समाज की बहनों को 3 तलाक जैसी कुप्रथा से बचाया है, इसलिए हम सब मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। इन सबके बीच में आपको बता दें, लगातार मुस्लिम महिलाओं के बीच भाजपा के लिए जनाधार बना रही मुस्लिम प्रकोष्ठ की कांशी प्रांत मीडिया प्रभारी हुमा बानू कहती हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं शायद ही वो कोई सरकार सोच भी पाती, इसलिए वाराणसी की मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इन सबके बीच में आपको अगर वाराणसी के 2014 वाले इतिहास से रूबरू करवाने की कोशिश करें तो आपको बता दें, 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के साथ साथ बड़ोदरा से चुनाव लड़ा था। सियासी घमासान वाराणसी के रण में देखने को मिला, क्योंकि मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल और कांग्रेस से अजय राय ने ताल ठोक कर चुनावी मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाया। यही वजह थी कि वाराणसी की सीट पर सबकी नजरें साल 2014 में टिकी और इन सबके बीच में नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी 3 दिनों तक वाराणसी में डेरा जमाया, रोड शो किए, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की और नतीजा ये निकला, नरेंद्र मोदी ने करीब 4.25 लाख मतों से जीत दर्ज कराई। इन सबके बीच में आपको बता दें, जितने वोट कांग्रेस के अजय राय, बसपा के अजय प्रकाश जायसवाल और सपा के कैलाश चौरसिया ने मिलाकर हासिल किए थे, उससे कहीं ज्यादा वोट अकेले नरेंद्र मोदी के हिस्से में आए। 2014 का चुनावी मिजाज वाराणसी का कुछ ऐसा ही रहा है।